Good morning, 10th standard. We'll continue with the 7th chapter, Glimpses from India. Glimpses from India, part 3, Tea from Assam. Right? This is the third part from your chapter 7. And the chapter 7 is Glimpses of India. ठीक है उसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं टी फ्रॉम असम इट इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता ठीक है नाउ इन दिस चैप्टर डिस्क्राइब क्या किया है वो मैं स्टोरी थोड़ी आपको समरी बता देती हूँ यहाँ पर टू फ्रेंड्स आर देयर एक फ्रेंड का नाम है प्रांजल और दूसरे फ्रेंड का नाम है राजवीर ठीक है टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर प्रांजल जो है राइट प्रांजल जो है वो फ्रॉम असम है कहाँ से है वो असम से आया है ठीक है और राजवीर जो है वो दिल्ली का है सो प्रांजल इज फ्रॉम असम एंड राजवीर इज फ्रॉम दिल्ली अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं राइट और क्लासमेट्स भी हैं दे आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल इन दिल्ली ठीक है तो अब जो है प्रांजल जो है उसके पापा जो है मैनेजर है ऑफ अ टी गार्डन इन असम तो ये दोनों जो है असम जा रहे हैं राजवीर इज ऑल्सो गोइंग विद प्रांजल टू हैव टू विजिट असम ठीक है नाउ लेट अस स्टार्ट इट इज ड्यूरिंग समर वेकेशंस Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So now they are going to Assam. Train mein baithe hain dono, station pe hain dono. Chai garam. गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस स्टेशन पे चाय बिकती है ना चाय ले लो चाय चाय गरम ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब गिव अस टू कप्स प्रांजल सेड दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी are drunk every day throughout the world, Rajveer said. अब राजवीर एक्चुअली दिल्ली से था और प्रांजल असम से था और उसके पापा जो है मैनेजर थे टी गार्डन के ठीक है अब ये दोनों जब असम जा रहे हैं तो स्टेशन पे चाय वाला आता है और ये दोनों चाय लेते हैं Now while sipping the steaming hot liquid चाय जब वो लोग पी रहे थे तो राजवीर जो है वो प्रांजल को बोलता है कि तुमको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड तो प्रांजल बोलते वाओ टी इज रियली वेरी पॉपुलर द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज But at that moment, he was a keener on looking at the beautiful scenery. अब चाय जो station, train जो station पे रुकी थी, अब train चलने लगी, और जैसे ही train चली, प्रांजल ने अपना ध्यान जो है, वो एक detective book पढ़ रहा था, right? He buried his nose, मतलब उसने अपना ध्यान detective book में डाला, और वो बहुत ध्यान से detective book पढ़ने लगा. राजवीर जो था He was also an ardent fan of detective stories. Ardent यानी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा. उसको भी बहुत detective stories बहुत अच्छी लगती थी. But at the moment, but अभी right now, he was keener. मतलब उसको interest किस चीज़ में हो रहा था? Beautiful sceneries बाहर देखने में, right? जब हम train में जाते हैं, तो बाहर कितनी beautiful sceneries होती हैं, right? उसको देखने में उसको ज़्यादा interest हो रहा था. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea
bushes. अब उसको वो जो ग्रीनरी जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, एंड इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. और राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी. नेचुरली राजवीर दिल्ली से था, राइट? अब दिल्ली में तो इतनी ग्रीनरी वो कहाँ से देखेगा. तो ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्रीनरी. ही कुड सी द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. पैडी क्या होता है? राइस के फील्ड्स. और फिर वो राइस के फील्ड्स को देखते देखते आगे किस तरफ बढ़ रहा था. अब आगे उसको क्या दिखाई दे रहा था? टी के बुशेस दिखाई दे रहे थे. पहले वो राइस के फील्ड्स उसने देखे ट्रेन से, फिर अब वो टी के बुशेस देख रहा था. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी. अब यहाँ पर मैग्निफिसेंट व्यू था. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ह्यूज, बहुत बड़ा व्यू और बहुत ब्यूटिफुल व्यू, ठीक है? और ही कुड सी डेंसली वुडेड हिल्स जो थे. डेंसली वुडेड हिल्स वो जो देख रहा था, और उसको ऐसे लग रहा था दूर दूर तक, जहाँ तक उसकी आईज उसको ले जा रही थी, वो पूरा एरिया जो था ऐसे लग रहा था टी के बुशेस का सी बना हुआ है. सी मतलब यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया है टू शो दैट कि एवरीवेयर देयर वॉज टी प्लांटेशन, ठीक है? सब जगह जो है वो टी की बुशेस देख पा रहा था. डाफरिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. अब यहाँ पे डाफिंग का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे, है ना? अब यहाँ पर छोटे छोटे जो टी के प्लांट्स जो थे, यहाँ पर टी के प्लांट्स को छोटे इसीलिए बोला गया है क्योंकि जहाँ पर टी के प्लांट्स थे, सपोज यहाँ पर अगर सर्कल में अगर टी के प्लांट्स हैं तो उसके चारों तरफ ऑल ओवर, ठीक है, अराउंड वहाँ पर क्या थे? टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज. मतलब जहाँ पर टी की प्लांटेशन थी उसके चारों तरफ जो थे बहुत लंबे टॉल स्टर्डी यानी स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, जिससे टी के प्लांट को क्या मिल रहा था? शेड भी मिल रही थी. और वो लॉन्ग टॉल ट्रीज के कारण ये टी की जो बुशेस थी वो डाफ लग रही थी, यानी छोटी सी लग रही थी. आई होप यू रिमेम्बर, हम लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा है कि ट्री के प्लांट्स को जो है शेड की ज़रूरत होती है, नहीं तो उनकी लीव्स, है ना? पढ़ा है ना, राइट? तो उधर भी मतलब ऐसा लग रहा था उनके चारों तरफ जो है टॉल शेड ट्रीज थे, राइट? और बीच में जो है वो टी का प्लांटेशन था, और वो इसीलिए वो डाफ लग रहे थे. इसीलिए टी के जो प्लांट्स जो थे वो डाफ छोटे लग रहे थे. एंड बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. और वो टी के प्लांटेशन के बीच में ऐसे लग रहा था कि कुछ डॉल लाइक फिगर्स घूम रहे हैं. डॉल लाइक फिगर्स वो किसको बोल रहे हैं? जो है सैम के जो लोग होते हैं, सैम की जो लेडीज होती हैं ना, जो फीमेल्स होती हैं, राइट? वो पीछे जो है बास्केट जो है लगा कर और वो टीज को प्लक करने जाती है, टी की लीव्स को, है ना, राइट? सुबह सुबह में क्या करती हैं उन लोगों का अटायर कैसे होता है कि कैप पहनी हुई होती है और पीछे वो लोग बास्केट लगाकर जो है और टी की लीव्स को प्लक करने जाते हैं. तो दूर से ऐसा लग रहा था कोई डॉल लाइक फिगर्स जो है वो टी प्लांटेशन में घूम रहे हैं. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज. और वो टी प्लांटेशन के डिस्टेंस में यानी दूर एक अगली बिल्डिंग दिखाई दे रही थी. अगली बिल्डिंग मतलब इट माइट हैव बीन एन इंडस्ट्री, राइट? विथ स्मोक बेलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. और वो इंडस्ट्री का जो स्मोक जो है वो टॉल चिमनी में से निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. अब राजवीर ने जब टी प्लांटेशन देखा तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और एकदम वो शाउट करता है, हे टी गार्डन. बट प्रांजल जो ऑलरेडी असम से था, राइट, अब ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर, तो उसने तो बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है, तो उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था. राजवीर वॉज एक्साइटेड.
ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। अब यहाँ पर टी कंट्री, यहाँ पर असम की बात हो रही है और उसको टी कंट्री बोला है। अब कंट्री क्यों बोला है, असम इज नॉट अ कंट्री, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा टी होती है, राइट, दैट इज यू नो कि लार्जेस्ट टी प्लांटेशन है इन द वर्ल्ड, ठीक है, असम हैज गॉट द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए ऐसा बोला जाता है, शायद वो टी की कंट्री हो गई है। समझ में आया व्हाई कंट्री इज यूज्ड? ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम। और वो बताता है उसको कि असम में आपको बहुत सारे टी गार्डन्स मिलेंगे विच विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। अब राजवीर, क्योंकि वो असम जा रहा था टी देखने, राइट, तो वो शायद अपना होमवर्क करके आया होगा, तो राजवीर बोलता है कि हाँ, मैंने टी के बारे में बहुत पढ़ा है और मैंने ये भी पढ़ा है कि किसी को पता नहीं है कि टी डिस्कवर कैसे हुई, लेकिन उसकी बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हाउ द टी वॉज डिस्कवर्ड। अभी तक किसी को पता नहीं है रियलिटी, बट स्टोरीज बहुत सारी हैं टी के बारे में। वॉट लेजेंड्स? वेल, देर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ हिज ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वॉटर गिविंग ए डेलिशियस फ्लेवर। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। बोले एक स्टोरी ऐसी है कि देर वॉज अ चाइनीज एम्परर जो क्या करता था, अब जो पानी होता है ना, वाटर को बॉयल करके पीता था, है ना। और एक बार क्या हुआ कि वेन ही बॉइल्ड द वॉटर, और जब वो पॉट में, बर्तन में, जब वो पानी उसका बॉयल हो रहा था और उसके पास कुछ लीव्स थी, और शायद वो लीव्स टी लीव्स थी, और वो पॉट में गिर गई, राइट। अब वो पॉट में गिर गई और फिर उसने जब ये पानी पिया, बॉयल वाला पानी पिया, तो उसे लगा कि ये वाटर जो है, इट इज टेस्टिंग वेरी डिफरेंट, राइट, उसका फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी है, डिलिशियस है, राइट। और ऐसा बोला जाता है वो जो टी लीव्स, वो जो लीव्स गिरी थी वो टी की थी। टेल मी अनादर, स्कॉफ प्रांजोल। अब प्रांजोल जो असम से था, उसने ऐसी कोई स्टोरी कभी पढ़ी नहीं थी, नहीं सुनी नहीं थी, तो प्रांजोल जो है स्कॉफ्ड करती, स्कॉफ्ड का मतलब होता है उसका मॉक करके, मतलब है ना, मजाक उड़ाकर राजवीर का, और बोलता है अच्छा ऐसा है, चलो दूसरी कोई स्टोरी कौन सी है। राजवीर दूसरी स्टोरी बताता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, दैट मीन्स देर इज ऑलरेडी, देर इज ऑल्सो वन इंडियन स्टोरी, दैट इज बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो बोलता है एक इंडियन स्टोरी भी है, वो इंडियन स्टोरी क्या है कि एक बोधि धर्म करके एक एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक यानी मॉन्क सेंट साधु था, राइट, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट साधु, बोधि धर्म, राइट। अब व्हेन ही वुड यू नो, जब भी वो मेडिटेशन में बैठते थे, व्हेन एवर ही वुड सिट फॉर मेडिटेशन, उनको नींद आती थी, ही वुड फील स्लीपी। अब मेडिटेशन में नींद आ जाए तो मेडिटेशन यानी ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे, तो व्हाट डिड ही डू, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, राइट, उन्होंने अपने वो आईज पे जो ये आईलिड्स होती है ना, राइट, उन्होंने क्या किया, वो आईलिड्स अपनी कट कर दी, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि जो उन्होंने आईलिड्स कट की, और शायद उन्होंने थ्रो कर दी होगी, तो वहां पर ही पास में 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो आईलिड से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए, और वो लीव्स, वो जो टी प्लांट्स ग्रो हुए थे, वो टी लीव्स जो ग्रो हुई थी, उसमें उसका अगर पानी वो लोग पीते थे, तो
राइट, हॉट वाटर, वो लीव्स डालकर जो बॉइल्ड वाटर वो लोग पीते थे, इट बैनिश्ड स्लीप, यानी उससे उनको नींद नहीं आती थी. बैनिश्ड यानी गुम हो जाना, वैनिश हो जाना, नींद उनकी मतलब गुम हो जाती थी. राइट, हम लोग कई बार बोलते हैं ना नींद आ रही है, चाय पी लेते हैं, है ना. तो दैट इज वॉट, दैट इज वॉज अ इंडियन स्टोरी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. फिर राजवीर और बताता है कि मैंने ऐसे पढ़ा है कि सबसे पहले टी वॉज ड्रंक इन चाइना. ये जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, टी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेजर. और यूरोप में तो टी जो है 16th सेंचुरी तक आई. और ऐसा बोला जाता है कि यूरोप में जो टी जो है पी जाती थी वो बेवरेज की तरह नहीं पी जाती थी, इट वॉज एक्चुअली ड्रंक एज अ मेडिसिन. बेवरेजर का मतलब क्या होता है? सूदिंग ड्रिंक. राइट, आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको देखो वो मेनू कार्ड में लिखा हुआ होता है नीचे बेवरेजेस. बेवरेजेस में टी होता है, टी, कॉफी, लाइम जूस, राइट. ये सब जो है ये बेवरेजेस कहलाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेजेस? सूदिंग ड्रिंक. राइट, क्या बोलते हैं? सूदिंग ड्रिंक्स. सो टी इज ऑल्सो सूदिंग. राइट, तो यूरोप में वो बोल रहा है राजवीर कि 16th सेंचुरी तक जो है तब आई थी टी यूरोप में, एंड वो लोग बेवरेजेस की तरह नहीं ड्रिंक करते थे टी को, वो मेडिसिन की तरह टी को लेते थे. द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरीन जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. ट्री क्लैटर्ड यानी ट्रेन क्लैटर्ड यानी जो वो पटरियों पे चलती है तो आवाज करती है ना, तो ट्रेन जो है मरीन जंक्शन पर पहुंची. मरीन जंक्शन कहाँ पर है? असम में. ठीक है, मरीन जंक्शन पर पहुंची और ये बॉयज लोगों ने, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन आ गया तो बॉयज लोग अपना जो है लगेज कलेक्ट करने लगे और क्राउड को पुश करते हुए वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचे. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द इकबारी. अब यहाँ पर प्रांजोल के पेरेंट्स लेने आए और वो गाड़ी में कहाँ पर जा रहे थे? धैकबारी जा रहे थे. दैट वॉज द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर. वहाँ पर जो टी गार्डन जो थे वो सारे टी गार्डन दे वर मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर, तो वो देखने जा रहे थे. एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर द धैकबारी टी स्टेट. अब वो एक ब्रिज को, कैटल ब्रिज, यहाँ पे कोई कैटल का कुछ मतलब नहीं है, मतलब एक ब्रिज को क्रॉस करके वो इस टी स्टेट में पहुंची. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड्स वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस. जब वहां पर पहुंचे तो वो राजवीर ने क्या देखा, जो ग्रेवल रोड्स था, बोथ साइड ग्रेवल रोड यानी पत्थर वाला जो रोड, मतलब पक्का नहीं था, कच्चा रोड, राइट, अभी भी मेटल्ड नहीं हुआ था वो, ठीक है ना. तो उन दोनों रोड्स के बीचों बीच एकर्स अपॉन एकर्स यानी बहुत बड़ी जमीन जो थी वो पूरी एकर्स ऑफ लैंड किसकी थी? टी बुशेस की थी. ऑल नीटली प्र्यून्ड ऑन द सेम हाइट. ऑल नीटली प्र्यून्ड, प्र्यून्ड का मतलब ट्रिम किया हुआ, वो नहीं अच्छी तरह से हम ट्रिम करके रखते हैं, अच्छी तरह से हर एक जो है टी बुश जो है एक ही तरीके से एक ही लेंथ में ट्रिम करके सेम हाइट में अच्छी तरह से दिख रही थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. और फिर वहाँ पर टी प्लकर्स थे जो बैम्बू की बास्केट्स अपने पीछे पीठ पर लेकर बैक पर, और उन लोगों को प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था, और वो लोग जो न्यू स्प्राउटेड लीव्स जो थी अभी अभी निकली हुई न्यू स्प्राउटेड लीव्स जो स्प्राउट हुई थी टी की, उसको प्लक कर रहे थे. राइट, जब भी वो लोग टी लीव्स, आपने आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन कि दो लीव्स के बीच में एक फ्लावर होता है और वो दोनों लीव्स प्लक करते हैं, दे पुट इट इन देयर बास्केट. राइट, तो बोले कि ना वो लोग प्लक कर रहे थे.
Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और फिर वहां पर एक ट्रैक्टर उन्होंने देखा तो प्रांजल के फादर ने स्लो डाउन यानी उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो डाउन की ताकि वो ट्रैक्टर जिसमें लोड्स ऑफ टी लीव्स थी यानी टी को प्लक करने के बाद हमने एसएस में भी पढ़ा है टी लीव्स को प्लक करने के बाद कहाँ लेकर जाते हैं वहां पे पास में ही हमको कोई इंडस्ट्री चाहिए है ना टी प्लांटेशन के लिए दैट इज वाई वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना तो वो वहां पर जो ट्रैक्टर जो है वो बहुत सारी टी लीव्स जो है लेकर जा रहा था तो उसको रास्ता दिया कि पहले ट्रैक्टर पास हो जाए. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बराव. बराव यानी प्रांजल की सरनेम यानी वो उसके फादर को बोल रहा है राइट प्रांजल के फादर को मिस्टर बराव क्या ये अभी जो टी हार्वेस्ट हो रहा है अभी जो टी का टाइम है टी का स्प्राउटिंग टाइम जो है वो सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है ना. वो राजवीर क्योंकि राजवीर बहुत अपना होमवर्क करके आया था टी के बारे में. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. और फिर राजवीर बोलता है कि ये स्प्राउटिंग पीरियड है ना मतलब ये दिस इज द टाइम जब पूरी मतलब उपजाऊ वो मतलब पूरा हार्वेस्ट करने लग जाते हैं टी को. तो बोले ये पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई है ना और ये शायद बेस्ट टाइम है टी के लिए. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. यस मिस्टर बराव राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. ही सेड यस आई हैव डन माय होमवर्क बट आई होप टू लर्न more while I am over here. So now with this, this chapter gets over.